वर्ष 2015 से दुर्ग में स्थापित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन आज भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग के ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें विशेष रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्रीगण उपस्थित रहे। ग्रामीण पृष्ठभूमि को समझते भी हैं। आप सब जानते हैं कि पहले कृषि के साथ साथ पशुपालन जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे आधुनिकीकरण हुआ, यांत्रिकीकरण हुआ, तो फिर पशु में केवल दूध देने वाले जानवर की महत्ता रह गया, बचा जो बैल है, बछड़ा है, इसके महत्व घटते गया, क्योंकि बैल की जरूरत नहीं, हल चलाना नहीं है, बेलन चलाना नहीं है। आज ट्रैक्टर आ गया, हार्वेस्टर आ गया, सारी मशीनें, तो ऐसे में इसको कैसे, इसका निदान क्या है? तो मैं साथियों से भी चर्चा करता था और इस मामले में मैं कुछ नाम भी लेना चाहूँगा, जिसमें विनोद वर्मा जी है, प्रदीप शर्मा जी हैं, रुचिर गर्ग जी हैं और एक दो साथी आजकल वो विदेश चले गए हैं। इन साथियों के साथ लगातार मैंने चर्चा की और इस निष्कर्ष में पहुँचे कि छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, वैश्विक समस्या है, इसका निदान हम लोग अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं। और उस समय फिर हम लोगों ने इन सारी समस्याओं को, पेयजल की समस्या है, निस्तारी की समस्या है, सिंचाई की समस्या और एक पानी की कमी है और गंदगी भी फैली हुई है, आज कुपोषण का भी दौर चल रहा है, तो हम लोगों ने सारी समस्याओं को लेकर एक नारा दिया, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बटे, और उस दिशा में हम लोगों ने काम करना शुरू किया। 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी शुरू किया और गौठान बनाना शुरू किया। 11,000 पंचायत में, 10,000 से अधिक पंचायतों में आज हम लोगों ने गौठान बना लिया है, 5 से 10 एकड़ जमीन आरक्षित कर ली है, बिना लाइन ऑर्डर के, ताम्रा ध्वज भैया के पुलिस के डंडे के सहारा लिए बिना करीब 1.5 लाख एकड़ जमीन हमने सुरक्षित कर ली। और उसके साथ साथ गोबर खरीदी का काम शुरू किया, गोबर खरीद लिए, तो करेंगे क्या, आज के तारीख में लगभग 115 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हम लोगों ने कर ली और इसके राशि तक 230 करोड़ रुपया गौपालकों खाते में चला भी गया। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट बनाए, करीब 28 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हमारा बन चुका है, खेतों में पहुंचाने का काम लगातार जारी है। अब केवल गौकास्ट और गमला और दिया ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि गोबर से प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं। गोबर अब केवल लिपने के काम नहीं बल्कि दीवारों को पोताई करने का काम आ रहा है। सारे स्कूल और जितने भी हमारे सरकारी भवन हैं उसकी पोताई इस प्राकृतिक पेंट से हम लोग करेंगे और अभी तक 50,000 लीटर प्राकृतिक पेंट बना चुके हैं, जो बड़ी कंपनियां बनाती है उसके मुकाबले बहुत अच्छा है। आज मुझे मानद उपाधि दी गई, मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की स्थापना 2015 में हुई थी और उसके बाद ये हमारा पहला दीक्षांत समारोह है और आज 24 अप्रैल को विश्वविद्यालय का 8वां स्थापना दिवस भी है, तो ये दोनों हम लोग एक साथ मना रहे हैं। इसमें 2020, 2021 और 2022 के जो विभिन्न परीक्षाओं के जो प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थी हैं, ऐसे 126 लोगों को हम स्वर्ण पदक प्रदान करने जा रहे हैं और 13 जो शोधार्थी हैं उनको डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी अर्थात PhD की उपाधि प्रदान करने जा रहे हैं। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल महोदय जो हैं वो स्वास्थ्यगत कारणों से ऑनलाइन रूप से जुड़ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ भी पधारने वाले हैं और उनके साथ साथ हमारे प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज